जी, होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा जनाब, तो मैंने सोचा कि मैं आज बना रही हूँ मसाला पुलाव, ठीक है। इट इज़ बेसिकली मेड बाय विथ आलू, ठीक है। तो आलू चावल कह सकते हैं आप, लेकिन इसको हम ज़रा मसालेदार बनाएंगे, तो इसका नाम है मसाला पुलाव। तो मैंने कहा क्यों ना रेसिपी आप लोगों से शेयर करी जाए। तो मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, और इसमें मैंने ऐड करी है अनियन, ठीक है। अनियन मैंने ली है 1 मीडियम और 1 स्मॉल, ठीक है। और इसको मैंने कट करके अब मैं इसको थोड़ा सा गोल्डन प्याज ब्राउन हो गई थी, तो मैंने उसमें थोड़ी सी प्याज निकाल ली है जो मैं लास्ट में यूज़ करूँगी, ठीक है। और हल्का सा मैंने दिया पानी का छींटा, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत गरम मसाले, दालचीनी के 2 जवे, बड़ी इलायची, और आप इसमें ऐड करेंगे लौंग और काली मिर्ची, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, अगर कड़ी पत्ता नहीं है तो आप तेज़पात भी ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, ठीक है। और इसमें ऐड करेंगे अदरक। अच्छा, मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था। मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं जो मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज, और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया ताकि लगे नहीं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, ठीक है, जो मैंने लिए हैं 3 अदद। आप चाहो तो 4 ले लो 5 ले लो, बेस्ड ऑन यू, ठीक है। ओके, नाउ आई हैव ऐड टोमेटोज इन इट, ठीक है। 2 मीडियम साइज टोमेटोज लेके आपने चॉप करके ऐड कर देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। मैंने टोमेटो पेस्ट ऐड किया है, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। अच्छा, अब स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, यानी हसबे जायका, ठीक है। वो मैं ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून, बिकॉज हम इसी में जब चावल ऐड करेंगे तो हमें चावल में फिर सॉल्ट आग बाद में फिर से ऐड करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर, यानी साबुत वो सॉरी सुर्ख लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून। बिकॉज मैंने ग्रीन चिलीज कम ली थी। अच्छा, अब इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी, 1/2 टीस्पून जस्ट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड कोरिएंडर पाउडर, यानी कि धनिया पाउडर, वो हम ऐड लेंगे 1 टीस्पून। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स इट। मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जी, ये कि मसाला हमारा भुन गया। अब मैं इसमें 1 कप ऑफ वाटर ऐड करके आलू अपने गलाने के लिए रख दूंगी। जब हमारे आलू गल जाएंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप भी जाने पड़ेंगे। 15 मिनट्स के लिए रखा था, 15 मिनट्स बाद ये है कि आलू जो है वो गल गए हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी राइस, जो मैंने 1.5 कप लिया था, ठीक है। और उसको मैंने 1.5 घंटे या 2 घंटे के लिए भिगो के रखा है, ठीक है। इससे ये कि ज़्यादा अच्छा बनेगा हमारा पुलाव, और चावल भी जल्दी गल जाते हैं अगर जितना आप ज़्यादा भिगो के रखें, ठीक है। ओके, तो मैंने चावल ऐड कर दिए, और पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 कप, ठीक है। अब इसको ज़रा सा बॉयल आने देंगे, और उसके बाद इसको 10 मिनट्स पकाएंगे, और जब इसका बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर, तो उसके बाद हम 5 मिनट्स दम पे रखेंगे। अच्छा जी, बॉयल आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो अब इसको हम 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम में रख देंगे, मीडियम टू लो, नॉट फुल मीडियम, ठीक है। उसमें ही जो आलू में अगर ज़रा सी कसर है वो भी पूरी हो जाएगी, और चावल भी हमारे गल जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब ये कि पानी हमारा बिल्कुल खुशक हो गया है, अब बस इसको दम पे देंगे, और जो मेरी ब्राउन अनियन थी जो मैंने सेट असाइड कर ली थी, उसको मैं ज़रा स्प्रेड कर दूंगी इस पर इस तरह से, ठीक है।
ओके। और अब मैं इस तरह मैंने इसका जो ढक्कन था यानी जो पतीली पॉट का जो आपका कैप होता है इसको इस तरह कवर अप कर लिया ताकि भाप बिल्कुल ना निकले, ठीक है। और इस तरह मैंने तवे पे रख दिया पॉट और इसको 5 से 7 मिनट्स के लिए दम पे देंगे एंड नाउ देन हमारे मसाला पुलाव रेडी हो जाएंगे। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चावल रेडी हो गए, ठीक है। आई होप आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। और रेसिपी ट्राई करें तो ज़रूर बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।